चॉकलेट टेक गाइस, मुझे मिली आज ये चॉकलेट्स। हम खाने वाले, इसको फटाफट फिनिश करने वाले हैं। हैप्पी चॉकलेट्स डे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय रसमलाई लाइफस्टाइल। आज ब्लॉग स्टार्ट होता है इस प्रकार। मैंने अभी बाथ नहीं लिया है, काम वाम मेरा सब फिनिश हो गया है, मुझे बाथ लेना है। मैं मिलती हूँ आपको बाथ लेने के बाद। मैंने सोचा क्यों ना पहले ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए और आप सब बताइए क्या चल रहा है, क्या कुछ है। एंड लेजी लेजी डेज होने लगे हैं ना, गंदे गंदे से। सो चलो लेट्स गो, अब मैं फटाफट बाथ लेके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय जी। आज हमारे पति देव लेके आए हमारे लिए छोले समोसे। आप सब भी खा लो, किसी के मुँह में पानी आ रहा है तो ले आओ, क्योंकि बहुत यम्मी है। मैं ये कहाँ का है, क्या बोलते हैं उसको, चांद छोले वाला, हाथी में मशहूर है चांद छोले वाला, उसके से लेके आए हैं स्पेशल। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, चांद छोले वाला। मैंने ले लिया है बात और वगैरह सब वॉश करके रख लिए। देखना, या तो हमारे गांव का ऐसा सिस्टम है, देखना कैसे पानी भरा हुआ है, या तो पानी आता नहीं है, देखना ऐसे चल रहा है। ये देखो गाइस, मैंने आज क्या लिया यहाँ पे ना, 50-50 रुपीस में, मतलब प्लास्टिक का काफ़ी सामान था उसके पास, तो मैंने एक तो ये लिपिडी काफ़ी अच्छी मजबूत लगी, 50 रुपीस में आती नहीं यार। और ये मैंने ये छोटा सा टब, क्यूट सा प्यारा सा लगा मुझे, छोटा सा है ना, थोड़े से कपड़े वॉश करने हो या फिर ऐसे ही छोटे से बच्चे वगैरह को नहलाना हो या फिर है ना। और एक मैंने ली ये, सही है ना, 50-50 में सही लगी बर्तन वगैरह रखने के लिए, मुझे अच्छी लगी। सही 50 में आती नहीं है यार, काफ़ी बड़ी है, ऐसे नहीं है, काफ़ी स्पेसियस है। एंड ये पीडी टब एंड ये गली में आया हुआ था तो मैंने उससे लिए, अच्छी लग रही है। तो मैंने ये सब लिया, आप बताओ आपको कैसा लगा है। ये पीडी रख देती हूँ, ये मेरी है और मैंने और किसी के लिए भी ली है। सो लेट्स गो, मायरा बेबी दिखाने गई। मैंने बात ले ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर दिए। एंड मायरा बेबी का यहीं पे एक, जैसे पड़ोस में ही यहीं गांव में कोई देखता है कि ये, मतलब बोलते हैं ना वो माता जैसे हो रही है, तो वो ढल गई है, तो जैसे वो धोक वगैरह लगती है उस टाइप से, तो अगर वो ढल गई तो फिर धोक लगवानी है। तो अब वो दिखाने गए हैं, वो ठीक हुई है नहीं हुई है वो माता, तो फिर वो बताएंगे, जैसे वो बताएंगे फिर वैसा होगा। सो लेट्स गो, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसको पानी, सूख गया एक पत्ता भी गिर गया, ये क्या हुआ भाई, देखते हैं कितना। यहाँ पे कपड़े मैंने सारे डाल लिए, अब इनको मैं करती हूँ फोल्ड, ये सूख गए हैं, थोड़े से रह गए, ये मैंने धूप की साइड करके डाल दिए हैं, अब तो सूख ही जाते हैं मोस्टली। ये अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने वॉश किए थे और अब ड्राई भी हो गए सब, बस इनको फोल्ड करना फटाफट, थोड़े से रहते ही वॉश हो जाएंगे। चलो लेट्स गो। बेबी दिखाया है, क्या बोला है बेबी उन्होंने, आंटी ने एक दो दिन रहते जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ अभी रहते हैं, ढलने तो लगी लेकिन अच्छे से नहीं हुई है, एक दो दिन में अच्छे से ठीक हो जाएगा। अभी रेस्ट पे मेरा बेटा है ना, मेरा बेबी कर रहा है वर्क है ना, गुड गर्ल। सो मेरा बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा, होने लग गया ठीक है ना। आपको कैसा फील हो रहा है अब? बहुत अच्छा, बेटर पहले से बेटर। सो लेट्स लो जी, ये सब कपड़े मैंने कर दिए हैं यहाँ पे फोल्ड अलग अलग, शोना बेबी के, शोना के पापा के, ये मेरे स्टॉल वगैरह, मैं इनको फटाफट रख देती हूँ। ओके बेबी, यस, आपका होमवर्क हो गया फिनिश? मैं आपका पेपर लगा, मींस मैं आपका पेपर लिखी। अच्छा, मम्मा को पेपर करवाएगी, अच्छा आप इतने इंटेलिजेंट हो गए। बस थोड़ा सा हो गया, फिर ओके, बस थोड़ा सा। ओके बेबी, ये देखो दोनों बिल्लियाँ, दोनों बहनें कैसे बैठी है, सर्दी लग रही है इनको। म्याओ।
गाइस मैं बनाने आ गई हूँ डिनर। अब करूंगी मैं डिनर प्रिपरेशन एंड देखते हैं क्या बनाते हैं डिनर में। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, ये बहुत बड़ी मतलब माइंड का एक लेडीज के लिए है ना, है ना, सच में बताना जरूर मुझे। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्या बनाते हैं। और आज मैं अभी खेल के आई हूँ, मौसम थोड़ा मतलब अच्छा होने लगा ना शाम को, मतलब घूमने का और खेलने का ऐसे मन करता, तो अभी मैं खेल के आई हूँ बैडमिंटन। बहुत अच्छा लगा, बैडमिंटन खेल के सुकून मिला सच में। और मैं शूट करना भूल गई, मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट या नेक्स्ट व्लॉग में बैडमिंटन। अब हम खेला करेंगे रोज, अच्छा लगता है यार बैडमिंटन खेल के, मतलब एक एक एक्सरसाइज भी हो जाती है और खुशी भी मिल जाती है। सो लेट्स गो, अब लगते हैं अपने, हम तो आ गए अपने किचन में, लेडीज का काम है किचन में, आ जाओ कुछ भी कितने भी मजे ले लो, लेकिन आना हमें यही है। सो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, और दूध बॉयल हो रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और एकदम से देखना बाहर अंधेरा हो गया बिल्कुल, लाइट एकदम से चली गई है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।